गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर माय चाइल्डहुड। ये चैप्टर हम लोग के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है, जो कि हमारे 11th प्रेसिडेंट रहे हैं। और ये प्रेसिडेंट बने थे कब? इन द ईयर 2002। और ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है। ऑटोबायोग्राफी क्या चीज़ होती है? ऑटोबायोग्राफी जब किसी की जीवन के बारे में बातें लिखी जाती है, जीवनी लिखी जाती है, तो ये दो तरीके से होती है। एक, जो व्यक्ति स्वयं अपने बारे में लिखता है, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी। और जब किसी व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति उनके बारे में लिखेगा, दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी। तो ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी हुई है। इसमें इन्होंने लिखा है और उसके ये कुछ पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्ट वाइल मद्रास स्टेट। ये कहते हैं कि पुराने समय में जिसको मद्रास कहा जाता था, आज की डेट में इसका नया नाम क्या है? चेन्नई। चेन्नई में एक छोटे से आइलैंड टाउन में, जिसका नाम है रामेश्वरम, वहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था। माय फादर जैनुलाब्दीन हैड नेदर मच फॉर्मर एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पॉसेस ग्रेट इनेट विजडम एंड ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। वो कहते हैं मेरे पिताजी, जिनका नाम दिया हुआ है क्या, ये है यहाँ पे नाम जैनुलाब्दीन, इनके पिताजी के पास बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, यानी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही बहुत ज़्यादा पैसा था, लेकिन इसके बाद भी उनके पास एक बहुत अच्छा विजडम और एक जेनरसिटी का मतलब एक उदारवादी स्पिरिट, आत्मा थी, यानी लोगों की मदद करने वाली थी। He had an ideal helpmate in my mother, Aishamma। ये अपनी माँ का नाम बता रहे हैं, जिनका नाम क्या है? अशियम्मा। और ये इनकी एक अच्छी सहयोगी के रूप में पूरे जीवन इनका साथ दिया है। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I'm quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। ये कहते हैं मुझे ये तो याद नहीं है कि रोज़ कितने बाहरी लोग हमारे घर खाना खाते थे, पर इतनी बात जरूर है कि जितने हम पूरे परिवार वाले मिलकर होते थे, उससे कहीं ज़्यादा बाहर के लोग रोज़ हमारे घर खाना खाया करते थे। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents। इनके बहुत सारे भाई बहन हैं और उनमें से ये एक है, एक छोटे कद का लड़का जिसके अंदर कोई भी अलग या विशेष लुक्स नहीं है, अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स नहीं है, बॉर्न टू टॉल। और इनका जन्म हुआ है, इनके माता पिता कैसे हैं? टॉल एंड हैंडसम। इनके माता पिता लंबे हैं और खूबसूरत हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल साधारण की तरह दिखने वाला बच्चा है। कौन? हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th century। ये लोग अपने पूर्वजों के बनाए हुए घर, जो कि 19वीं शताब्दी में बनाया गया था, उसमें ये पूरा परिवार रहता है। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस स्ट्रीट इन रामेश्वरम। ये एक पक्का घर है और ये बना हुआ है किससे? ईंटों से बना हुआ है, चूने के पत्थर से बना हुआ है, और एड्रेस दिया हुआ है कहाँ का? मॉस्क स्ट्रीट रामेश्वरम में। ये लाइन ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं। माय एस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। मेरे पिताजी जो कि बहुत ही सिंपल थे, स्ट्रिक्ट भी थे, ये अनएसेंशियल चीज़ें, जो अनावश्यक की चीज़ें हैं, अनावश्यक कंफर्ट्स और लग्जरीज, इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वेयर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ। हालांकि
जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे दवाइयाँ, खाना, कपड़े, ये सब की कोई कमी नहीं थी, पर अनावश्यक की चीज़ें हमारे घर में नहीं थी, यानी दिखावे की चीज़ें हमारे घर में नहीं होती थी। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both maternally and emotionally. और अगर कहा जाए तो मेरा बचपन एक बहुत ही सिक्योर बचपन था दोनों तरीके से, चाहे वो माता पिता के प्यार से लेकर के हो, चाहे वो इमोशनली बात हो, इन दोनों ही तरीके से मेरा बचपन बहुत ही सिक्योर और सुखद बीता। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. यहाँ पे ये बताते हैं कि जब Second World War शुरू हुआ in 1939, इनकी उम्र 8 साल की थी। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand of turmeric seed erupted in the market. और उस दौरान क्या हुआ कि कुछ कारणों से पूरे मार्केट में टर्मरिक यानी इमली के बीजों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पर पता नहीं क्यों, आखिर उस इमली के बीजों का होना क्या था ये बात किसी को पता नहीं थी, लेकिन अचानक से उसकी डिमांड बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड एंड सेल दैम टू द प्रोविजन स्टोर ऑन मॉस स्ट्रीट। तो मैं भी छोटा था, 8 साल का, तो मैं भी इन सीड्स को कलेक्ट करता और ले जाके अपने आसपास जो मॉस स्ट्रीट में ही किराने की दुकान हुआ करती थी उसमें जाकर के इसको बेच आता था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी अ प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। और उस समय दिन भर में जो मैं सीड्स कलेक्ट करता था उससे मेरी एक अच्छी खासी कमाई हो जाती थी 1 आना की। ये बात है 1939 की, उस समय 1 आना जो आज की डेट में 6.25 पैसे के बराबर 1 आना होता है, ये 6.25 पैसे इनको मिलते थे और उस समय ये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। My brother in law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines of Deenamani. और मेरे ब्रदर इन लॉ यानी मेरे जीजा जिनका नाम है क्या जलालुद्दीन, ये मुझे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हो रही जो स्टोरीज न्यूज़पेपर में आती थी ये न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के मुझे बताया करते थे कि आज क्या हुआ, आज कितने सैनिक मारे गए, आज नया कहाँ पे कब्ज़ा किया जा रहा है या नया वॉर आगे कहाँ चलेगा इनके बारे में। और ये सब चीज़ें ये पढ़ते थे कहाँ, एक अखबार है जिसका नाम है Deenamani. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. और हम लोग जिस एरिया में रहते थे वो एक isolated area, यानी मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग एरिया है, इसलिए हम लोग वॉर से बिल्कुल अनअफेक्टेड थे, यानी युद्ध में क्या हो रहा है हमारे एरिया में इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा था। But soon, India was forced to join the Allied forces. And something like a state of emergency was declared. लेकिन बहुत जल्द, अच्छा उस दौरान क्या था बेटा कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का शासन था, तो ब्रिटिशर्स अपने शासन के दौरान क्या किए, उन्होंने जो इंडियन फोर्सेस थी इनको भी ज़बरदस्ती भेज दिया कि आप आइए हमारे अलाइड फोर्सेस के तरफ से आप भी युद्ध कीजिए, और इस प्रकार से एक अचानक से इमरजेंसी सी डिक्लेयर हो गई। इमरजेंसी क्या चीज़ होती है, इमरजेंसी एक स्टेट है, मतलब एक ऐसी अवस्था है जब हमारे सारे अधिकार जो है वो सब कर्टेल कर लिए जाते हैं, सिर्फ महत्वपूर्ण कार्यों की इजाज़त होती है, भारत सरकार इसको लगाती है, इमरजेंसी सी लागू हो गई। The first casualty came in the form of suspension of the train halt at Rameshwaram station. और पहली चीज़ जो पहली घटना हुई वो क्या हुई कि जो ट्रेन रामेश्वर स्टेशन पर रुका करती थी वो वहाँ पर रुकना बंद हो गई, यानी उसका स्टेशन वहाँ से समाप्त कर दिया गया। अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना पीरियड में बहुत से ऐसे नई ट्रेन्स चलाई गई हैं या बहुत सी पुरानी ट्रेन्स का टाइमिंग चेंज कर दिया गया है, बहुत से ट्रेन्स ऐसी हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बीच के छोटे छोटे स्टेशंस को क्या किया, सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा ही कुछ हुआ, रामेश्वरम के जो स्टेशंस थे उनमें ट्रेन रुकनी बंद हो गई। द
The newspapers now had to be bundled and thrown out of the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. और अब क्या है, न्यूज़पेपर तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो इसको पहुंचाने के लिए क्या होता था कि चलती ट्रेन से ही रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में न्यूज़पेपर के बड़े बड़े बंडल के गट्ठर बांध करके चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिए जाते थे और जो वेंडर्स होते थे वो उसको उठा लेते थे और फिर घर घर डिस्ट्रीब्यूट करते थे. दैट पोस्ट माई कजन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम to look for a helping hand to catch the bundles and as if naturally I fitted the slot. तो इस दौरान अब क्या हुआ कि newspapers जो हैं वो bundle बना बना करके चलती ट्रेन से फेंक दिए जाते थे और डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की कज़न यानी चचेरे भाई शमसुद्दीन वो क्या करते थे, newspaper बांटने का काम करते थे रामेश्वरम में. अब उनको क्या हुआ, एक मददगार की ज़रूरत पड़ी क्योंकि अब रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच में एक लंबा डिस्टेंस है. चलती ट्रेन से न्यूज़पेपर फेंका गया है तो कुछ न्यूज़पेपर हो सकता है कि रामेश्वरम से 2 किलोमीटर आगे गिरे होंगे, हो सकता है कुछ 3 किलोमीटर आगे गिरे होंगे, कुछ 5 किलोमीटर आगे गिरे होंगे. तो इनको रेलवे ट्रैक पर ढूंढना है, फिर इनको उठाना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, इनको एक मददगार व्यक्ति की ज़रूरत थी. और निश्चित तौर से ये 8 साल के थे तो एक अच्छा आदमी जो इनको, क्योंकि उनको सिर्फ देखना है कि वो न्यूज़पेपर कहाँ मिल गिरा है वहाँ से उठाना है, इन्होंने वो काम करना शुरू किया. शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस और इस प्रकार से शमसुद्दीन इनके चचेरे भाई की वजह से इनको अपनी पहली तनख्वाह कमाने का मौका मिला. हाफ अ सेंचुरी लेटर अब करीब 50 साल बाद I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. आज 50 साल बीतने के बाद भी जब मैं उस चीज़ को याद करता हूँ कि मैंने कैसे 8 साल की उम्र में पहली बार मुझे तनख्वाह मिली थी, मुझे पैसे मिले थे, मुझे जान करके बड़ा प्राइड महसूस होता है, बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं उतनी छोटी उम्र में भी मैंने काम करके खुद से पैसे कमाए. Every child is born with some special inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authorities. ये कहते हैं कि जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं हर किसी के अंदर कुछ inherited characteristics होते हैं. अब ये inherited characteristics क्या चीज़ है, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हम सीखते नहीं हैं, कुछ आदतें हमें बचपन से जन्म के साथ मिलती है अपने माता पिता से, जैसे हमारी लंबाई कैसे होगी, हमारी सोचने का तरीका कैसा होगा, हमारा दूसरे से बात करने का व्यवहार कैसा होगा. ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने माता पिता से देखने को या से इनहेरिटेड रूप में मिलती हैं. इनटू अ सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट और बच्चे जो होते हैं कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक लेके आते हैं और कुछ सामाजिक आर्थिक रूप से अपने इन्वायरमेंट से उन चीज़ों को सीखते हैं बाय द अथॉरिटीज़. जैसे बचपन से कोई भी बेटा पढ़ना लिखना सीख के नहीं आता, हर कोई यहीं पे आकर सीखता है, ये क्या है आपको सिखाया जाता है. पर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बचपन से आपके अंदर है, जैसे अगर आप अच्छे हो तो आप बचपन से ही अच्छे हो, आपको कहीं बताने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए या दूसरों के साथ हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए, ये चीज़ें सिखाने की चीज़ नहीं है, ये चीज़ें आपको खुद ब खुद जन्म से मिलती हैं. आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. तो इनको क्या क्या मिला है inherited रूप में, अपने पिताजी से इनको honesty और self discipline मिला, वहीं इनको अपनी माँ से goodness, faith in goodness यानी अच्छाई पे भरोसा करना, और deep kindness इनको मिला अपनी माँ से. और सिर्फ इन्हें ही नहीं, इनके बाकी 3 भाई बहनों को भी ऐसी ही शिक्षा मिली, ऐसे ही इनहेरिटेड चीज़ें मिली. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड. अब ये कहते हैं मेरे 3
बड़े ही क्लोज दोस्त थे बचपन से। इनके नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला नाम है रामनंदा शास्त्री, दूसरा है अरविंदन और तीसरा है शिव प्रकाशन। ये तीन नाम ध्यान रखिएगा, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के फ्रेंड्स हैं। ऑल दीज बॉयज वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, और ये सभी लोग एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। ऑर्थोडॉक्स क्या चीज़ होती है? ऑर्थोडॉक्स जिसको हम कहते हैं रूढ़िवादी, यानी आपको बहुत से आज भी ऐसे घर मिलेंगे जो पुरानी चीज़ों को लेकर के बैठे हुए हैं, जो छुआछूत को लेकर के बैठे हुए हैं, या पुरानी मान्यताओं से बिल्कुल जकड़े हुए, नई चीज़ मानना ही नहीं चाहते, दे आर कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स। तो ये जो तीनों लड़के थे कौन कौन? रामनंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये सभी ब्राह्मण फैमिली से थे जो कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, नए कल्चर को अडॉप्ट नहीं करती है। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. अब बचपन था हमारा, तो हम तीनों में से, मतलब हम चार दोस्तों में से कभी किसी ने एक दूसरे पे सिर्फ धर्म के अंतर होने की वजह से कभी differences नहीं आए, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो मुस्लिम हैं, लेकिन बाकी ये सब क्या है? ब्राह्मण फैमिलीज हैं। तो इनके वजह से कई बार अभी आपको देखने को मिलेगा हिंदू बिल्कुल अलग चलते हैं, मुस्लिम्स अलग चलते हैं, पर इनके बीच में ऐसा कोई डिफरेंसेस कभी नहीं आया। इनफैक्ट रामनंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, और यहाँ तक कि जो रामनंद शास्त्री थे वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बच्चे थे, जो कि रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े पुजारी थे, यानी हेड पुजारी थे। यानी वो होने के बाद भी उन्होंने भी कभी मना नहीं किया कि मुस्लिम्स के साथ मत रहो, मत खेलो। लेटर ही टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, और बाद में इन्होंने ही जो आपके थे रामनंद शास्त्री, इनको वो प्राइस्टहुड यानी जो पंडित का काम है वो काम इनको मिल गया इनके फादर के न रहने के बाद। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, और जो वहाँ पे तीर्थयात्री लोग आते थे उनके ट्रांसपोर्ट के लिए अरेंजमेंट करने का काम अरविंदन ने ले लिया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज, और शिव प्रकाशन जो था वो साउदर्न रेलवेज में केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम करने लगा। तो आज हम लोगों ने ये चार पैराग्राफ पढ़े हैं, अगले स्लॉट में हम इसके आगे के पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। आज लाइट भी नहीं है, बैटरी भी नहीं है, तो हम आपको थोड़े थोड़े पोर्शन इसी प्रकार से रिकॉर्डिंग्स में भेजेंगे, आप इनको पढ़िए। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो आप हमें बताइएगा ऑन द व्हाट्सएप, हम आपको वहाँ से इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।